हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शिव पुराण कथा। अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं, आइए चलिए जानते हैं अपनी वीडियो में। अब जैसे कि देवाधिदेव महादेव शिव को भगवान विष्णु का आराध्य और भगवान श्री हरि विष्णु को देवाधिदेव महादेव का आराध्य बोला जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु अगर जगत का पालन करते हैं तो वहीं भगवान शिव इस संसार का संहार करते हैं। दोनों में ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव त्रिदेवों की संकल्पना को और उनके कार्यों को पूर्ण करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जब भगवान विष्णु को भगवान शिव ने संकटों से उभारा है, तो कभी भगवान शिव को श्री हरि विष्णु ने संकटों से उद्धार किया है। इन दोनों की लीलाओं की तो अनन्य कथाएं हैं। एक बार की बात है, जब माता सती के वियोग में भगवान शिव के मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी हैं जब भगवान विष्णु को नियंत्रित करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने आप को आगे करा है। ये कथा क्या है इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये सभी जानकारी जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।